चाहे कुलगाम में चाहे दूसरी जगहों में जहाँ भी पुलिस की एसपीओ की जम्मू कश्मीर बैंक के लोग जहाँ मारे गए मैं वहाँ बराबर जाती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती थी। चूँकि यहाँ पर मसला ये है कि इनको सता रहे थे, एक लड़की का मामला था, मुसीबत का मामला था, तो इसलिए मैंने कहा मेरे जाने से एक मैसेज चला जाता है पूरी सरकार को कि अगर हमें मिलिटेंट्स के साथ लड़ना है तो फिर तो क्या फिर से वहाँ जाएंगे? उसके बगैर कोई ऐसा नहीं आया के लिए तैयार नहीं। मैंने इसमें हमने कहा था हमें पावर प्रोजेक्ट वापस चाहिए, जिसमें हमने कहा था टट्टू ग्राउंड, अनंतनाग हाई ग्राउंड, कारगिल का दरबा तुम खाली करके दीजिए, उसके बाद में सरकार बनाऊंगी, और भी कुछ शर्तें रखी थी। यही लोग जो आज पार्टी में उथल पुथल मचाते हैं यही नागपुर चले गए और वहां उन्होंने बोला महबूबा मुफ्ती को आप छोड़ दो, हम आपके साथ अलग से पीडीपी तोड़ के सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त उन्होंने मेरी जो पोजीशन थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको कमज़ोर किया, जिसकी वजह से यह हो गया कि बीजेपी जो इस बात के लिए तैयार हो रही थी कि हम पहले कुछ शर्तें मानेंगे उसके बाद सरकार बनाएंगे, वो छूट गई। मैडम जी कल तक तो आपकी पार्टी बीजेपी के साथ ही, कल तक आपने यही कहा था कि मोदी जी जो है वो मसला कश्मीर हल कर सकता है, इसी के पास वो एबिलिटी है, तो अभी अचानक मोदी जी के पास जो उनके पास मैंडेट था उन्होंने उसको जाया किया। जिस तरह वो बार बार कहते थे वाजपेयी के नक्शे कदम पे चल के जम्मू कश्मीर के मसले का समाधान करूंगा, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारूंगा, बदकिस्मती ये हो गई कि मोदी जी ने अपने मैंडेट को बिल्कुल ज़ाया किया, पूरे मुल्क में भी ज़ाया किया और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी वो पॉलिसी नहीं अपनाई जो वाजपेयी ने अपनाई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात और बिगड़े। मैडम जी आपने अभी अपने स्पीच में कहा है कि आपसे कहा जम्मू कश्मीर की अलहदगी की पसंद के साथ बात करना, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर ने बताया कि वो बिलाव के लिए तैयार थे, मगर जब तक पाकिस्तान की बात नहीं कर तब तक यहाँ माहौल नहीं बनेगा। जस्ट बोला बीजेपी जी क्यों जो आपके घर का पता है मैडम हमारी तरह भी फेस मैडम कैमरा तो यहाँ फैसला किया था बीजेपी मैडम हम भी है इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, मगर जम्मू कश्मीर की भला के लिए जम्मू कश्मीर के और कुछ नहीं होगा।